पहुंचा है हमको एयरपोर्ट। गुड मॉर्निंग, अभी 6 बज रहा है और हमें आज यहाँ से निकल करके जाना है वापस दिल्ली के लिए। तो हमारा जो सफ़र था, हमारा जो ट्रैवल था, वो अब ख़त्म हो चुका है। दिन अभी निकल रहा है, अंधेरा था, बस थोड़ी सी रोशनी अभी शुरू हुई है। तो सारा सामान लगभग ऑलरेडी पैक कर लिया था हम लोगों ने, कल रात को ही निकलते हैं यहाँ से। गोकर्णा से गोवा लगभग 135 किलोमीटर्स है, तो हम लोग यहाँ से निकल करके गोवा जाएंगे और गोवा से फ्लाइट लेके दिल्ली। बहुत कोशिश करी गई लेकिन देखिए 5, 4, 9, 3, 12 और एक बोतल यहाँ पर भी है और अभी एक बोतल और है, और इतना ही कितना प्लास्टिक हम लोगों ने ना चाहते हुए भी यूज़ किया। तो हम लोग कितना भी कोशिश कर ले बट प्लास्टिक को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं कहीं पर भी कोई आरओ सिस्टम नहीं है, कहीं पर कोई फिल्टर वाटर नहीं है, तो हमें पैक्ड वाटर यानी कि पानी की जो बॉटल है वही लेनी होती है। और उसके बाद हर जगह पर हम वो पानी की बॉटल इधर उधर फेंक देते हैं, नहीं भी फेंकते हैं अगर हम रूम पे रखते हैं तो भी वो वापस नेचर में जाएगा ही जाएगा। इसको हम किस तरीके से रोकें, क्योंकि पानी हमें पीना ही होगा और ये प्लास्टिक नेचर में जाता रहेगा हमेशा हमेशा। खैर, ग्रीन टी पीते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। पूरा बादल बादल आ गए हैं, घेर लिया है पूरा, बादल बहुत ही नीचे हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की। बहुत जगह पर ऐसे साइड से पहाड़ तोड़ के सड़कें बनाई जा रही हैं। तो हम लोग अभी गोवा एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर चेक पोस्ट है, नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मांगी जा रही है, चेक कर रहे हैं। खैर, हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी चलते रहेंगे। और जिन लोगों के पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है उनका यहाँ पीछे यहीं पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, तो तुरंत आप अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के 250 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो करा के फिर आगे जा सकते हैं। तो हम लोग गोवा एंटर किए, गाड़ी ने भी अपना टैक्स कटाया, तो थोड़ी देर हम लोग गोवा के पालोलम बीच पे समय गुजारेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो आधा घंटा, और यहीं पर ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। गोवा की अपनी एक अलग फील है, गोवा जैसी फील खैर गोकर्णा में नहीं है। गोकर्णा थोड़ा ज़्यादा रॉ है, थोड़ा ज़्यादा रफ है, थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज टू नेचर है। गोकर्णा उतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है जितना कि गोवा है। तो आ चुके हैं पालोलम बीच गोवा का। वाह, तो यहाँ करा जाए ब्रेकफास्ट बाय द सी एक बार लास्ट टाइम और फिर आगे बढ़ेंगे। ये आ गया हमारा बनाना पैनकेक, ये आ गया कर्ड विद फ्रूट कर्ड एंड हनी, और ये कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट करके मज़ा आया। लोग सफाई वाले पूरे बीच को साफ रखते हैं झाड़ू लगा करके, और काफ़ी कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर होती है। ये चीज़ें गोकर्णा में लाई जा सकती हैं, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, थोड़ा सा साफ़ सफाई पर ध्यान रखे गोकर्णा। काउज यहाँ पर भी हैं पर यहाँ इतना गोबर नहीं है, कुछ फ़र्क थोड़ा सा। एयरपोर्ट हमारे राजू जी थे, इन्होंने बहुत अच्छे से कर्नाटका घुमाया हमें। अगर आप लोग भी कोई भी आना चाहता है कर्नाटक और घूमना चाहता है तो आप राजू जी का जो नंबर है वो मेरे से ले सकते हैं, तो कभी भी घूमना है तो आइए, बहुत अच्छी इनकी सर्विस रही है। तो बहुत बढ़िया राजू जी, फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। गोकर्णा को हम गोवा से कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोकर्णा एक बहुत ही छोटी सी डेस्टिनेशन है एज़ कम्पेयर टू गोवा। गोवा बहुत ही एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो चुका है। तो अभी आगे हम लोग एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी क्रॉस करते हैं, फिर आगे मिलते हैं।
सारी सोशल डिस्टेंसिंग इससे पहले तक थी, सिक्योरिटी चेक इन तक। यहाँ पे सब कुर्सियाँ भरी हुई हैं, सब एक दूसरे से चिपके बैठे हुए हैं। इतनी भीड़ और इतनी लाइन देख के ऐसा लग रहा है कि अब टूरिज्म वापस जिंदा हो रहा है। हमारी मील एयर इंडिया फ्लाइट, फाइनली हम लोग पहुंच गए दिल्ली। अब बज रहा 6:30, घर पहुंचना है। फाइनली रीच्ड होम, और जितना एक्सपेक्ट किया था, शाम का वक्त था, हम लोगों को लगभग 1 घंटा लगा एयरपोर्ट से और घर तक आने में, तो बहुत ही सही टाइम से हम लोग पहुंच गए। अभी 8 बज रहा है। तो आज बहुत ही लंबा दिन था क्योंकि हम लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम 6 o'clock, तो लगभग 14 घंटे हो चुके हैं। तो अब करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।